ووجه جميل كبدر الدجى ينير الوجود فلا يعتم ينير الوجود فلا يعتم إذا الليل طال بدا وجهه كفجر الصباح अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और 16th रोज़ा की वीडियो है और आधे से ज़्यादा रमज़ान गुजर गया है। माशाल्लाह बहुत अच्छे से गुजरा है, अल्लाह करे आप सबका भी बहुत अच्छा आगे भी गुजरे, आमीन। तो सुबह सहरी के टाइम वही अंडा और पराठा खाया था, तो फिर मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ रिकॉर्ड क्या करनी तो हम हैं जी टीम अंडा पराठा, और बस वही खाने का सुबह मज़ा आता है। बस अभी मैंने सोचा कि मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, क्योंकि कुरान पाक का भी मैंने एक टाइम फिक्स किया हुआ है। अगर मैं उस टाइम से इधर उधर हो जाऊं तो फिर ज़ाहिर है कुरान पाक पढ़ना तो है ही, लेकिन फिर वो स्पीड लगानी पड़ती है। कुरान पाक को ना सुकून से आराम से पढ़ने का जो मज़ा आता है ना, वो स्पीड से जल्दी जल्दी करने का मज़ा नहीं आता, और सवाब भी इसी तरह ही मिलता है। सो ये मैं ख़त्म कर लूँ, फिर उसके बाद बाकी काम करेंगे। ये भी ड्राई हो गए हैं, ये बाथरूम मैट्स थी जो मैंने कल वॉश की थी, और गर्मी इतनी है ना कि फौरन हर चीज़ वॉश हो जाती है। तो बस अब इनको भी मैं कबर्ड में रख लूँगी, और जो ग्रे वाली मैट्स हैं इनको मैं थर्ड वाले वॉशरूम में रख लूँगी जहाँ पे वॉशिंग मशीन है। तो बना लेते हैं जी चिकन के लिए मैरिनेशन। मैं बनाने लगी हूँ चिकन रैप्स, और इसके लिए बहुत सिंपल सी मैरिनेशन है। मैंने लिया है गार्लिक का पेस्ट, साथ में दही है, और साथ में लेमन जूस डाल रही हूँ, ऑयल डाल रही हूँ इसमें। उसके अलावा इसमें जाएगा ओरेगनो और ज़ीरा पाउडर है, पेपरिका पाउडर है, ये अनियन पाउडर है, और अभी हम डालेंगे इसमें जिंजर पाउडर। जिंजर पाउडर नहीं है तो आप जिंजर भी डाल सकते हैं फ्रेश वाला। साथ में ये लाल मिर्च है, और ये है हल्दी, और ये है सॉल्ट। लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, और ये है जी इलायची का पाउडर। अब इसमें हम डाल लेंगे तेज़पात, और इसको हम मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर चिकन डाल के हम मैरिनेट कर लेंगे। इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और बस थोड़ी देर 15-20 मिनट मैरिनेट करने के बाद हम इसे कुक कर लेंगे। ये अरब स्टाइल में मैं बना रही हूँ, प्योर जो अरब फ्लेवर्स होते हैं ना वो यूज़ करें। ओके जी, अब आ जाते हैं गार्लिक सॉस बनाने के लिए। उसके लिए मैंने पानी लिया है, उसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स किया है, और इसको मैंने पका लिया है। इसकी अच्छी सी ये देखें थिक सी पेस्ट बन गई है, और इसको हम बोल में डाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको मैं क्लिंग रैप से कवर करूंगी। क्लिंग रैप आपने इस तरह लगानी है कि बिल्कुल आपने इसको जो जेली है उसके साथ टच करना है, ताकि क्रस्ट ना बने। उतनी देर में हम पार्ट टू इसका प्रिपेयर कर लेंगे सॉस का। इसके लिए मैंने पानी के अंदर गार्लिक क्लोव्स डाली हैं, और साथ में मैं इसमें डाला है लेमन जूस, और मेयो भी डाल दिया मैंने। इसको मैं ब्लेंड करके रख लूँगी। सिर्फ इंतज़ार इस चीज़ का है कि जो कॉर्नफ्लावर हमने जेली बनाई है वो ठंडी हो जाए, तो फिर उसको हम इसके साथ मिक्स कर देंगे, तो गार्लिक सॉस रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, उतनी देर में हम ये बना लेते हैं हमारी डिज़र्ट। इसके लिए मैंने ली है फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़। आपके पास स्ट्रॉबेरीज़ नहीं है तो आप पीच ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं, उनको फ्रीज़ कर लें या ना फ्रीज़ करें, ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने डाला है दूध और साथ में चीनी। हाफ लीटर दूध यूज़ होगा, लेकिन उसमें से थोड़ा सा मैंने ये ब्लेंडिंग के लिए यूज़ किया है। किसी भी किस्म के फ्रेश या फ्रोज़न फ्रूट से आपकी डिज़र्ट बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया है कि जी एक बोल में मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लावर 4 चम्मच भर भर के आपने डालने हैं, ओके। और उसके साथ जो बाकी का हाफ लीटर था ना दूध, वो थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसकी स्लरी बना लूँगी। अच्छे से हम मिक्स करेंगे, किसी तरह के भी कोई लम्स ना हो। और अब हम बाकी का भी दूध इसमें डाल देंगे। सो आधा लीटर इस तरह से पूरा हो गया। तो जो स्ट्रॉबेरी का मिल्कशेक टाइप हमने बनाया था, उसके अंदर हमने ये डाल दिया कॉर्नफ्लावर स्लरी, और बस इसको हम कुक करेंगे, तो ये बहुत अच्छा सा एक स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड टाइप बन जाएगा, लेकिन कस्टर्ड से थोड़ा सा थिक होगा। अगर आपको ये थिन चाहिए है तो फिर आप इसमें कॉर्नफ्लावर थोड़ा कम डाल सकते हैं।
अच्छा, जब तक ये चिकन पक रहा है, एक और भी टिप दे दूँ। मेरी जो दूसरी होममेड कस्टर्ड वगैरह की रेसिपीज़ हैं रमज़ान की, वो आप माशाल्लाह बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, और इन केस आपकी अगर जो कस्टर्ड है वो हार्ड बन जाए जितना आप बनाना चाह रहे हैं उससे, तो आप उसके अंदर बिल्कुल कुक हो जाने के बाद भी फ़ौरन फ़ौरन आप हल्का हल्का दूध डाल के मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि दूध ऐसी चीज़ है जो आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है। और कॉर्नफ्लावर के साथ दूध आप मिक्स करेंगे ना तो वो पानी नहीं बन जाएगा, कस्टर्ड जो है ना उसको पकाने के बाद दूध मिक्स करेंगे तो वो पानी की तरह थोड़ी देर बाद ना बहना शुरू हो जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन कॉर्नफ्लावर नहीं होता, सो इजीली आप उसमें डाल सकते हैं। आज तो मुझे लाइट्स भी ऑन करनी याद नहीं रही थी, कि इस तरह लाइट्स ऑन करके ना कुकिंग का बहुत मज़ा आता है, रमज़ान की बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। तो आज घर पे बात हो रही थी काफ़ी ऑड टाइम पे, वरना इस टाइम पे नहीं बात करी होती, तो इसलिए इफ्तारी के लिए लेट हो गई थोड़ी सी। तो यहाँ पे ये जी रेडी हो गई हमारी डिज़र्ट, और इसको मैं डाल रही हूँ ग्लासेस में। आपके पास बोल्स हैं या जो भी टाइप के आपके पास सर्विंग जो डिशेज़ हैं आप उसमें डाल सकते हैं, इनको आप पूरे एक सिंगल बोल में भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अभी आते हैं गार्लिक सॉस की तरफ। नमक डाला है मैंने इसमें, और साथ में ये देखें जेली ठंडी हुई है तो बिल्कुल सेट हो गई है, ठीक है, तो यही इसको सॉस को वॉल्यूम देगी। और मैंने अब इसको उसमें डाल के बस ब्लेंड कर दिया, तो ये देखें हमारी गार्लिक सॉस रेडी हो गई है। अच्छा, अगर आपको गार्लिक सॉस थिक वाली अच्छी लगती है ना, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि पानी जो मैंने डाला था ना, मैं क्वांटिटी लिख दूंगी जिसके साथ हमने गार्लिक डाल के ब्लेंड किया था, वो पानी आप कम कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम बनाने लगे हैं जी ग्लेज स्ट्रॉबेरी का, और उसके लिए मैंने सिर्फ चीनी ली है और स्ट्रॉबेरी ली है, और हल्का सा इसमें 1-2 चम्मच सा पानी डाल दिया, और इसको मैं पका रही हूँ। जब ये स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी गल जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी ना, तो बस ये रेडी हो जाएगी। ये देखें, इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए बॉईल भी कर लिया है। अच्छे जी, अब हम बना लेते हैं जी हमारे चिकन रैप्स। इसके लिए मैंने गार्लिक सॉस लगा दी है, साथ में हम ये चिकन डाल देंगे इसके ऊपर, और उसके साथ मेरे पास पड़ी हुई है ये चिली सॉस, ये डाल दूंगी हम लोगों के लिए, और मिशारी के लिए हमने चिली सॉस नहीं डाली थी। और साथ में ये जाएगी इसमें केचप, और साथ में गर्किंस हैं और फ्राइज़ हैं, बस इसको हम रैप कर देंगे। तो ये हमारे चिकन रैप्स रेडी हो गए हैं, इनको अब हम ग्रिल कर लेंगे। बाय द वे, इस ग्रिल के आप रिव्यूज़ पूछते हो, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि बहुत अच्छी है। यस, कुकिंग करने के लिए, ग्रिलिंग के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा बड़ा किचन होने के बावजूद ये इतनी ज़्यादा स्पेस लेती है कि मैं इसको माइक्रोवेव के ऊपर रखती हूँ, जब यूज़ करना हो तो निकाल के यहाँ रखती हूँ। सो इससे बेटर यही है कि सिंपल सा पैन ले लिया जाए। सो अगर आप लोगों में से कोई भी लोग इंटरेस्टेड हों इसको देख के, तो ये सोच लीजिएगा कि ये एक ना एक्स्ट्रा फिटीग है और कुछ नहीं है। अब हम ये टॉर्टिया रैप्स जो हैं इनको रैप कर लेंगे पेपर में। ये मेरे पास शवरमा वाले पेपर्स हैं, सैंडविच रैप्स जो होते हैं, तो बड़े हैंडी रह जाते हैं। इनको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था, जल्दी जल्दी ठंडी हो जाती है क्योंकि सिंगल सिंगल सर्विंग है, और इसके ऊपर मैंने स्ट्रॉबेरी का जो हमने ग्लेज बनाया था वो इसके ऊपर डाल दिया, और देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, और टेस्ट में भी उतना ही अच्छा, आपको बहुत मज़ा आएगा। स्ट्रॉबेरीज या जो भी फ्रूट आप ज़्यादा डालेंगे ना, तो उसी का फ्लेवर आएगा इसमें। बस जी, भाग दौड़ लगी हुई है, इफ्तार का टाइम हो गया है, और शहजाद जो है जो रूह अफ्जा एक्सपर्ट है, उन्होंने रूह अफ्जा बना लिया है और मेरी हेल्प करा रहे हैं। अभी ऑफिस जाते हैं तो भी मेरी हेल्प उसी तरह से करा रहे हैं जैसे घर में होते थे। तो अल्लाह ताला सबके हस्बैंड्स को और मेरे भी हस्बैंड को लंबी ज़िंदगी दें, खुशियाँ और सेहत दें, और हमेशा हमारा और हमारे हस्बैंड्स का साथ सलामत रखें, आमीन। तो यहाँ पर जनाब सेट हो गए टेबल, मैंने समोसे भी बना लिए थे और मैंने फ्राइज़ बनाए थे ना जब, तो उसी ऑयल में भी मैंने आज समोसे बना दिए, इनको मैंने बेक नहीं किया, तो बस मैंने सोचा ये भी रख दूं क्योंकि आज ज्यादा इफ्तार नहीं थी, तो फिर फैमिली को थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जानी थी। तो ये होते हैं मेरे पास चिकन के समोसे और साथ में वेजिटेबल के समोसे, और मेरे रिश्तेदार की अपनी अपनी फेवरेट डेट्स, तो हामी को भी फर्स्ट डेट पसंद है जो डार्क वाली आपने देखी है ना, और ये हैं फ्राइज और लेफ्ट ओवर गर्किंस हैं थोड़े से, और ये हैं जी हमारे चिकन रैप्स। बहुत भूख लग रही थी, कभी कभी रोज़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है, स्पेशली जब आप भाग भाग के इफ्तारी बनाते हैं ना, तो उस वक्त तो बहुत ही फिटीग हो जाती है, और बिल्कुल रोज़े का एंड होता है ना तो थकावट बहुत होती है। बहरहाल जी, हमारी इफ्तारी चल रही थी और मिशारी आता है, आके अटेंडेंस लगा के चला जाता है, उसकी मर्ज़ी की चीज़ हो तो खा लेगा, नहीं तो फिर वो चला जाता है। मिशारी पी रहा था रूह अफ्ज़ा, और मुझे नहीं समझ में आता कि अब रूह अफ्ज़ा में इतना रेड कलर क्यों आ गया हुआ है, पहले तो इस तरह नहीं हुआ करता था, तो शायद कलर ज़्यादा ऐड कर दिए।
बहरहाल जी, हमारा तो है खाने का टाइम, और मैं आपको इसके बाद की स्टोरी बताती हूँ। रात में हम लोग तकरीबन 10 o'clock लेट, 9:30 लेट गए थे, 10 o'clock तक सो गए थे, और शहजाद ने मुझे सहरी के टाइम सुबह जगाया, और मैं हैरान हुई कि ना शहजाद का अलार्म बजाया और मेरे अलार्म से भी पहले शहजाद ने मुझे जगा दिया, तो ये कैसे जल्दी उठ गया, वरना नॉर्मली मैं उठती हूँ और मैं शहजाद को जगाती हूँ। तो जनाब पता क्या चला कि शहजाद तो सारी रात सोए ही नहीं, क्योंकि इस इफ्तारी से उनका पेट नहीं भरा था, उन्होंने मुझे भी नहीं बोला, और फ्रिज में एक दो चीज़ें पड़ी हुई थी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं खाया, और बिस्किट्स और दूध निकाल के खा लिए और फिर भी नींद नहीं आ रही थी, जागे रहे। बहुत मुझे दुख हुआ, इसलिए मैं अफ्तारी में ना चीज़ें या तो आइटम्स ज़्यादा बना लेती हूँ या मैं क्वांटिटी ज़्यादा बना लेती हूँ। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा डिज़र्ट, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। अफ्तारी से फ्री हो के नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद किचन तो मैं ऑलरेडी क्लीन कर चुकी हुई थी, मैंने सोचा कि मैं ना बना लेती हूँ जल्दी से आटा, और ताकि सुबह जो है पराठे बन सके। मुझे पहले याद ही नहीं था, नहीं तो मैं अफ्तारी के टाइम पे ही जल्दी जल्दी, थोड़ा सा मेरे पास टाइम फिर भी बच गया था तो मैं उसमें बना लेती। बट एनीवेज इफ्तारी के बाद ना काम करने का इतना दिल नहीं करता और हिम्मत भी नहीं होती, लेकिन बच्चों वाला घर है, आप टिक के तो बैठ नहीं सकते, हज़ार काम होते हैं, ये कर लो वो कर लो, करना भी खुद ही होता है सारा। तो खैर कोई नहीं, हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको हिम्मत दिए रखे। तो आटा मैंने गून लिया है, और आटे वाले बर्तन धोने मुझे सबसे बुरे लगते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका ये होता है कि उसी वक्त वॉश कर लिए जाए, नहीं तो फिर आटा जो है ना सारा कर जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है आटा, तो मुझे ना उसको वॉश करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इस वजह से मेरे पास ये जो ब्रश है ना, इसको मैं यूज़ करती हूँ, मेरे स्पंज पे सारा आटा लग जाता है, अगर मैं उससे वॉश करूँ तो हैंड से वैसे नहीं वॉश करना अच्छा लगता मुझे आटे को। आप इसे बताएं किस किस को ये प्रॉब्लम है कि आटे वाले बर्तन धोने अच्छे नहीं लगते। फाइनली जनाब डे एंड हुआ, अच्छे से सारे काम मैंने कर लिए, बस ये आखिर में कारफोर की डिलीवरी पहुंची थी और इसको मैंने कैबिनेट्स में रखना था, उसके लिए तेहामी ने मेरी हेल्प करा दी, और तेहामी अपने ट्रक पे लाद के सारा सामान लेके आता है, फिर मेरे साथ कैबिनेट्स में रखवा देते। चाय जो है वो भी शहजाद ने मुझे बना दी थी और लेके मैं चली गई, साथ साथ चाय पी ली, और आखिरी काम था कि बच्चों को टाइम देना था, वो भी मैंने दे लिया। Say assalamu alaikum to 10 people, to 3 people. Say na. Assalamu alaikum, like this, okay? Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam, how are you? Mama? Yeah, yeah. Wa alaikum assalam. अब टाइम आ गया जी अपनी पिछली एक्टिविटीज़ के पॉम पॉम्स ऐड करने की, और ये एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी सक्सेसफुल साबित हो रही हैं। इसमें दोनों अपनी अपनी एज के हिसाब से ना बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, और अभी तो ये है कि वो शौक शौक से शुरू हुए थे ना कि हर पॉम पॉम के जवाब में पैसे मिलेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पर्पस था वो पूरा होता नज़र आ रहा है। अभी आधा रमज़ान गुजरा होते हमें ऑलरेडी इस्लाम का काफ़ी नॉलेज हो गया, और तस्बीह वगैरह करना जैसे अस्तगफरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये दो तस्बीह मैंने डाली हुई थी उसमें, और बहुत शौक से करता था, और अब वैसे भी नमाज के बाद अक्सर वो करता है, उसको मज़ा आता है और अच्छा फील होता है, फिर वो घर में मेरे साथ, बाबा के साथ और अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, स्कूल में हमेशा काइंड रहता है, बहुत सारी चीज़ें वो सीख रहा है, और मेरा यही मकसद था। खैर अब आते हैं जी रात की तरफ, हो गई है रात, फाइनली आराम मिलेगा थोड़ा सा, तो जो लाइट्स ऑन की होती हैं मैंने रमज़ान की डेकोरेशन वाली, वो सारी मैं ऑफ़ कर दूँगी, और अभी शहजाद गए हुए थे तरावी पढ़ने के लिए, तो जो ही वो निकल के जाते हैं ना, 8:45 जाते हैं और 8 बजे अजानें हो जाती हैं, तो मैं उसी टाइम पे ना यहाँ पे ये सारी लाइट्स ऑफ कर देती हूँ, बच्चों के लिए माहौल बना देती हूँ कि उन्हें पता हो कि बस अब लाउंज की लाइट्स ऑन है, बाकी सब बंद है और अब सोना ही है। तो खैर ये किचन भी सारा क्लीन है, सब डन हो गया, हर चीज़ टिक हो गई है, भाई डन कर लिया है। तो उसके बाद मैं बस ये लाइट्स ऑफ करने आई थी, तो थोड़ा सा नीचे देख लिया, कार्स चलती हुई अच्छी लग रही होती हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।